आज हम बना रहे हैं चाउमीन। चाउमीन बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो यहाँ मौजूद हैं, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो हमें चाहिए 2 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस, 1 टीस्पून लेवल काली मिर्चों का पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर पिसा हुआ, नमक चाहिए 1 टीस्पून, शुगर चाहिए 1/2 टीस्पून, अजीनोमोटो चाहिए 1/2 टीस्पून। इसके अलावा हमें ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी, 3 टेबल स्पून ऑयल, और सोया सॉस चाहिए 2 टेबल स्पून, शिमला मिर्च चाहिए 1/2 कप के जितनी, गाजर 1/2 कप और प्याज 1/2 कप। और सबको हमने इस तरह से लंबाई में काट लेना है, जिसको जूलियन कटिंग कहते हैं। 2 टेबल स्पून के जितना हरा प्याज चाहिए बारीक कटा हुआ, 1 कप के जितनी आपको चिकन चाहिए बारीक कटी हुई लंबाई में इस तरह से, 1/2 पैकेट के जितनी हमें स्पेगेटी चाहिए। जी जनाब, ये हमारी स्पेगेटी उबल गई है, बिल्कुल परफेक्ट उबली है। ये देखिए, इस तरह से खिली खिली होनी चाहिए, ना ज़्यादा चिपकी भी होनी चाहिए और ना ये कच्ची होनी चाहिए। 7 से 8 मिनट लगेंगे, आपकी बेहतरीन स्पेगेटी उबल जाएगी। इसको उबालने के बाद आपने इसको ठंडे पानी से धो लेना है और इस तरह से छन्नी में निकाल लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले स्पेगेटी बनाने के लिए हम इसके अंदर ऑयल शामिल करेंगे। 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डाला, इसके अंदर हमने 1 टेबल स्पून जितना लहसुन चॉप करके रखा है वो शामिल करेंगे। सिर्फ हमने इसको हल्का सा नरम करना है, इसके अंदर हमने इसको ब्राउन नहीं करना। अब ये हल्का सा नरम हो गया है, इसमें से अच्छी खुशबू आने लगी। अब हमने इसके अंदर अपनी चिकन शामिल कर देनी है, जो तकरीबन 200 ग्राम के जितनी। चिकन को भी इसके अंदर जल्दी जल्दी हम चलाएंगे ताकि ये पिंक से वाइट हो जाए। अब हमने इसमें डालना है 1 से 2 टेबल स्पून के जितना पानी, ताकि हमारे मसाले जले नहीं। अब आपने इसमें लाल मिर्चें, काली मिर्चों का पाउडर, अजीनोमोटो, नमक और सोया सॉस, ये चीज़ें डाल के आपने इसको 1 मिनट तक फ्राई कर लेना है। और इसके साथ ही हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस की शामिल कर दें। 1 मिनट इसको कुक करेंगे ताकि अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए। अभी हमारी सॉस इसमें अच्छी तरह से पक गई है, अब हम इसमें शामिल करेंगे सब्जियां। प्याज शामिल करें, पतली बारीक जूलियन कटी हुई गाजर शामिल करेंगे, और इसमें शामिल करेंगे शिमला मिर्च। इसको हमने सिर्फ इसके अंदर मिक्स करना है, ज़्यादा पकाना नहीं है। अब सब्जियां डाल के हमने सिर्फ 1 मिनट इसको इसमें सौते किया। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे अपनी उबली हुई स्पेगेटी। अब हमने इसके अंदर सब चीज़ें शामिल कर दी हैं, हमारी स्पेगेटी इसमें अच्छी तरह से शामिल हो गई है, सब्जियां इसके अंदर बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। चाउमीन हमारा बिल्कुल तैयार है, इसको हमने अपने प्लेटर में निकाल लिया है। सिर्फ आपने इसके ऊपर से अब थोड़े से हरे प्याज के पत्ते जो हमने बारीक काटे हैं डालने हैं सजावट के लिए, और इसको इंजॉय करना है, मज़े से खाना है।